नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.5 जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कराऊंगा। और ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। यदि पार्ट 1-2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए, इसको 9 नंबर में भी वही काम करना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमको इसको क्या, यहाँ पे इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिया, मान लिया कि ए बराबर जो है, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तो हम यहाँ पे आर वन के अनुदिश कर रहा हूँ। देखिए, ये क्या है आपका आर वन, ये क्या होता है आर टू, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये लाइन, तो आपका आर थ्री होता है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो हमको फर्स्ट रो के अनुदिश इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो फर्स्ट रो के अनुदिश अगर ले रहा हूँ, इसके अनुदिश, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ले रहा हूँ, तो पहला वे क्या है, 2। अब ये 2 ले लिए आप, तो इसके सामने ये देखिए रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बच गई ये 4 मान। तो इसको लिखिए -1, 0, 2, 1। अब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक सूत्र आपको बता चुका हूँ पहले ही, प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो दूसरी वाला हम ले रहा हूँ, क्या लेना है हमको, माइनस लेना है, क्या है, 1। ठीक है, इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा, 4, 4 माइनस 7, फिर क्या बच गया, 0, 1। फिर इसके बाद 3 लेना है, तो क्या लेना है, प्लस में 3 लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो ये 4 मान बचेगा, 4 माइनस 1 माइनस 7, 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 2 लिख दीजिए, कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, -1, 0 में कीजिएगा क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए -1 लिखिए, फिर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस, ये देखिए 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 3 है तो 3। फिर देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो 7, 4 गुना 8 माइनस होगा ये सूत्र, और ये माइनस बोले माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7। इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पे घट के कितना आएगा, तो -1 आएगा, 1, यहाँ पे क्या घट के आएगा, 4, 3, यहाँ पे क्या आएगा, 1। इसको करिए तो -2, यहाँ पे करिएगा तो 4, और यहाँ पे करिएगा तो 3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना आएगा, तो आपका आएगा -3, -3 आया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए का मान आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो पहले मुझे ये निकालना था, ये निकालिए, अब आगे क्या करना है, आप इसको चाहेंगे तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है आपको। अब आगे आपको क्या करना है, तो इसका यहां से मिटा देता हूं, देखिए अब क्या करना है, तो यहां पे आपको ए इसका अब सखंड करना है, सखंड। तो सखंड में पहले आप 1, 1 निकालिए, तो 1, 1 निकालिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसके अनुदिश कीजिएगा, इसके अनुदिश 1, 1, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये 4 मान बचेंगे, क्या ले लीजिए, -1, 0, 2, 1। और देखिए 1, 1, 2 क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो प्लस में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, तो -1 में 1 से, तो -1, 0 में करिएगा तो 0, अभी घर के कितना है, -1। फिर इसी तरह से 1, 2 निकालिए, 1, 2 निकालिए कितना होगा, तो देखिए 2 1 कितना हो रहा है, 3, विषम हो रहा है, इसलिए माइनस लगाइए। और यहाँ पर देखिए 1, 2 यानी इस अवयव को लीजिएगा, तो इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, 4, 0 माइनस 7, 1, 4, 0 माइनस 7, 1। इसको कैलकुलेट करिएगा तो माइनस, पहले से ये माइनस है। ठीक है, और ये 4 एकम 4, 0 में करेंगे तो 0 क्या आएगा घर के, -4। फिर इसी तरह से 1, 3 करिएगा। ठीक है, तो 1, 3 ये वाला लीजिएगा ना, तो 4, 3, सॉरी 3 1 4 सम हो रहा है ना, तो प्लस में होगा, तो इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो ये 4 क्या लिखा है, 4 माइनस 1, ठीक है, लिखा है -7, 2। इसको करिएगा, आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस सूत्र में माइनस है,
माइनस वन माइनस प्लस हो जाएगा, सात एकम सात, घट के आएगा एक, ठीक है। तो ये वन 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 टू वन थ्री आ गया। फिर इसी तरह से क्या निकलना है आपको, टू वन, ठीक है, टू वन, तो यानी टू वन कितना होगा, थ्री बीसम हो रहा है ना, इसलिए माइनस लगाइए, तो माइनस लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखिए इसमें अंक लिखना है कौन सा, टू थ्री कौन सा, ये वाला अंक लिए है, इसके सामने ये रो खत्म कॉलम खत्म, ठीक है, एक तीन दो एक, एक तीन दो एक, तब इसको कैलकुलेट करिए, तो माइनस वाले से है, एक एकम एक, तीन गुना छः माइनस होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या घट के आएगा आपका, माइनस पाँच आएगा ना घट के, तो माइनस पाँच प्लस कितना हो गया, पाँच हो गया। तो यहाँ करिए ये विन कर गया टू वन। अब निकालना है आपको क्या निकालना है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि अभी क्या क्या निकालना है आपको। अभी निकालना है टू टू, ए टू टू निकालना है, तो टू टू यानी ये वाला लेना है आपको, ये वाला ले लीजिएगा, तो ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो टू थ्री माइनस सेवन वन, टू थ्री माइनस सेवन वन, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये दो दो चार विषम हो रहा है ना, तो इसलिए प्लस में ही छोड़िए, क्या हो जाएगा, दो एकम दो सूत्र में माइनस, क्या होगा यहाँ पे एक माइनस होता प्लस हो जाएगा, ठीक है, सात तरीके इक्कीस कितना हो जाएगा, तो इक्कीस अटू तेईस, ठीक है। इसी तरह से निकालिए आप टू थ्री, तो टू थ्री फाइव यानी विषम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, यहाँ पे देखिए इसको टू थ्री ए वाला है ना, दूसरी का तीसरा पे, दूसरी लाइन का तीसरा पे, ये जीरो, इसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा, दो एक माइनस सात दो, तो दो एक माइनस सात दो, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, तो माइनस दो दो ना चार, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, सात चार ग्यारह आएगा ना, आई पहले से माइनस है तो माइनस ग्यारह हो गया। फिर इसी तरह से क्या करिएगा, थ्री वन निकालिएगा, ठीक है, थ्री वन, तो देखिए थ्री वन कैसे निकलेगा, तो थ्री वन यहाँ पे फोर हो रहा है, सम हो रहा है ना, तो इस नहीं रहने दीजिए, तो थ्री वन ये वाला लीजिएगा, आप ये वाला लीजिएगा, तो इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो एक तीन माइनस एक जीरो, एक तीन माइनस एक जीरो, देखिए ये वाला लिया है, तो कितना हो गया, ये इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो एक तीन माइनस एक जीरो, इसको कैलकुलेट करिए, तो जीरो में एक्स तो जीरो, माइनस तीन में एक्स माइनस तीन एकम तीन होगा आठ, ये माइनस और माइनस प्लस होता प्लस, ठीक है, कितना आ गया, थ्री आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या होगा, तीन तीन एक चार सम है ना, इसलिए प्लस। अब उसके बाद में हम थ्री टू निकाल ले रहा हूँ, ये फाइव हो रहा है तो माइनस में लगाएंगे क्योंकि विषम हो रहा है ना, तो माइनस लगाइए। अब चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, थ्री टू यानी तीसरी का दूसरा भी, तीसरी लाइन में आपका दूसरा भी ये बड़ा, तो यानी ये खत्म, इसके सामने ये खत्म, तो क्या हो जाएगा, दो चार तीन जीरो, दो चार तीन जीरो, आगे बढ़ाइएगा इसको, तो जीरो में दो से करिएगा तो जीरो माइनस, ठीक है, पहले से भी माइनस था एक, यहाँ पे लिख लीजिए पहले माइनस, ठीक है, तो जीरो में दो से तो जीरो हो गया, सूत्र में माइनस चाहती है बारह, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बारह आएगा ना, माइनस माइनस प्लस बारह हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसी तरह से थ्री 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 तीन तीन क्या हो जाएगा, छः, छः प्लस में होगा, प्लस छः सम संख्या हो रहा है इसलिए प्लस में होगा, थ्री थ्री ये वाला अंक लीजिएगा, ये वाला अंक इसके हिसाब से लीजिएगा, तो रूप खत्म कलम खत्म, तो दो एक माइनस चार एक, तो दो एक चार माइनस एक, ये लिखना था, तब लिख दिए। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो उसी तरह से दो में माइनस एक से, तो माइनस दो हो गया, सूत्र में माइनस चार एकम चार कितना आ गया, माइनस छः, सब अब निकल गया टोटल। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ से टोटल अगर निकल गया तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एडजॉइंट लिख देना है। एडजॉइंट कैसे लिखाएगा, तो देखिए वो जो क्वेश्चन लिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला मिटाता हूँ, तो इसलिए एडजॉइंट ए डी ज्वाइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ग्यारह बारह तेरह इक्कीस बाईस तेईस इकतीस बत्तीस तैतीस, ठीक है, सिंपल, ये याद करने के लिए तरीका मैं बोलता हूँ, आसान पड़ता है, ठीक है, बोलने में। अब यहाँ पे ये सब जितना आया है आपका मान भर दीजिए, वन देखिए वन वन यानी ग्यारह वाला मान कितना है, माइनस एक, बारह वाला मान कितना है, माइनस चार, तेरह वाला मान कितना है, एक, ठीक है,
इस लाइन में देखिए 11 12 13 भर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पे भर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लिए होंगे। फिर इसमें क्या लिखा, 21 22 23, 21 का मान कितना है आपका, 21 का मान आया आपका 5, तो लिखिए 5, 22 का कितना आया है 23, 24 का कितना, 23 का हो गया 31, देखिए 21, 22 का कितना है 23, और 23 का कितना है -11, ये 23 है, ठीक है, और ये आपका 5 है। अब इसके बाद में 31 वाला कितना है 3, 32 12 33 -6, ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजॉइन डेटा मान, ठीक है, सिंपल। अब तक आपका व्युत्क्रम निकालने का जो सूत्र है वो लिख देता हूँ, आंसर हो जाएगा। और तो निकालना क्या था हमको, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए, ये रहा फॉर्मूला। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट का मान कितना आया था, -3 आया था, -3 निकाले थे इसका डिटर्मिनेंट शुरू में, देखिए -3, ठीक है, और इसके बाद में एडजॉइंट ए का मान देखिए ये निकाल चुका हूँ, ये वाला भर दीजिए, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 तेईस इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे उसी तरह से जैसे 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, इसको भी सोल्यूशन उसी तरह से करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको भी उसी तरह से कैसे हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको ए मान लेंगे, लेट ए बराबर इसको मानिए, तो लिखिए 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, बताया मैं आपको कि डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, इसलिए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो आपको एक लिख दीजिए, ठीक है, इसके सामने ये रो खत्म, ये कलम खत्म, तो 2 2 -3 -2 4, इसके बाद फिर क्या लिखना है, -- प्लस करके यहाँ पे सूत्र में माइनस और ये माइनस, क्या हो गया प्लस, ठीक है, सिंपल। तो इसके बाद ये लिख दिए, तो इसके सामने रो खत्म कलम खत्म, तो ये आपका ये वाला मान लिखाएगा 0 2 -3 -2, ठीक है, इसके बाद ये लिखेंगे तो प्लस में होता है आपको पता होगा, ये रो खत्म कलम खत्म, तो ये चार मान लिखना है आपको 0 2 3 -2, हाँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना ये है कि 4 × 8 - - होता है सूत्र में 3 × 6, ठीक है, ये -- प्लस हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1, अब 0 से करिएगा 0 हो गया, 3 × कितना हो गया 6, फिर कितना है 2, देखिए यहाँ पे 0 का करिएगा 0 - 3 × 6, ठीक है, और आगे बढ़िए इसको, तो देखिए 1 यहाँ पे 8 में से घट गया 6, तो 2 हो गया प्लस 1, यहाँ पे घट के आएगा -1 6, और यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पे घट के आएगा -6, ठीक है, तो गुणा कर लीजिए, तो इसके कितना हो जाएगा 6 2 कम तो हो गया माइनस प्लस माइनस 6 है तो 6, यहाँ पे भी देखिए प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 × कितना हो गया 12, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया -2 है, और यहाँ पे देखिए 12 6 कितना हो गया -18, और घटेगा तो कितना हो जाएगा -16, ठीक है, प्लस माइनस घट जाता है, तो 18 में से 2 घटा तो 16, और 12 क्या है 18 क्या है माइनस ही ना, इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका आ गया इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आगे जो हम बताए थे ना वो काम करना है आपको, कि अब सहखंड निकालना होता है, तो यहाँ पे लिखिए सहखंड, सहखंड किस तरह निकालना है सहखंड, तो सहखंड 1 1 लेंथ लिखना है, तो देखिए 1 लीजिएगा ये, तो इसके सामने रो खत्म कलम खत्म, तो ये मान बचेगा कौन सा 2 - 3 - 2 4, ठीक है, ये वाला लिखना है आपको। उसके बाद में इसको करिएगा कैलकुलेट, तो देखिए 1 1 क्या होगा 2 रहा है, सम हो रहा है, इसलिए प्लस में लिखा हूँ, 4 × कितना हो गया 8, माइनस लिखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सूत्र में, -3 × 6 कितना आएगा घट के आपका आ जाएगा इसका मान 2, ठीक है, यहाँ पे 1 1 निकालिए, फिर इसी तरह से 1 2 निकालूंगा, तो 1 2 निकालूंगा, तो देखिए 1 2 कितना हो रहा है 3, बी सम हो रहा है इसलिए माइनस लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 वाला ये वाला मान लेंगे आप, ये वाला मान लेंगे, इसके सामने रो खत्म ये कॉलम खत्म, ठीक है,
यानी इसके सामने की ये वाला मान ले रहा हूँ, तो इसके सामने रो खत्म, कॉलम खत्म, तब बच गया कौन, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस हो गया, चार एकम चार माइनस तीन गुना छः, घट के कितना आएगा माइनस, और ये देखिए ये दोनों से घट के कितना आ रहा है माइनस दो, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हो गया दो, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका दो, वन वन निकल गया, वन टू निकल गया, फिर वन वन टू निकल गया, फिर वन थ्री इसी तरह से निकालूंगा, ठीक है, तो वन थ्री का निकालूंगा, तो देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना आया है मेरा मान, तो माइनस सोलह है, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने पर हमारा कितना है माइनस सोलह, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाद में हमको लिखने में सुविधा होगा, ठीक है, ये उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसके आगे आपको क्या करना है, वन टू निकल गया, वन थ्री निकलिए यहाँ से, वन थ्री वन थ्री, तो वन थ्री कैसे तीन चार होगा, बीस सौ होगा, इसलिए प्लस में होगा, देखिए तो वन थ्री का ये वाला अंक है ना, यानी पहली लाइन का तीसरा आवे, ये वाला अंक लेना है आपको, इसके सामने ये रो खत्म कलम खत्म, तो क्या हो गया ये जीरो टू तीन माइनस टू, जीरो टू तीन माइनस टू, अब इसको कैलकुलेट करिएगा कितना हो जाएगा, जीरो में करिएगा जीरो माइनस कितना हो, तीन में छः करके कितना आ गया माइनस छः, इसी तरह से क्या लेना है आपको थ्री वन सॉरी टू वन लेना है, टू वन लीजिएगा तो टू है एक तीन हो गया, यानी सम विषम हो रहा है तो इसलिए माइनस लगाइए, तो देखिए दूसरी पंक्ति का पहला वे, यानी दूसरी पंक्ति का ये पहला वे, दूसरी लाइन में पहला भी ये है, इसके सामने कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो माइनस एक दो माइनस दो चार, माइनस एक दो माइनस दो चार, ठीक है, ये वाला लिए है, ठीक है ना, तो ये वाला माइनस एक दो माइनस दो चार, इसको कैलकुलेट करिए, जो माइनस वाले से था, अब यहाँ देखिए माइनस चार और माइनस माइनस प्लस दो दोनों चार, ये प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, इसके आगे आप निकालिए तो टू टू निकलिएगा, तो टू टू यानी कि सम हो रहा है, तो इसलिए प्लस में होगा, ए टू टू ये वाला अंक लेना है आपको, तो इसके सामने रो खत्म कलम खत्म, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसको करिएगा कैलकुलेट, तो चार एकम चार तीन गुना छः घट कितना है माइनस दो, ठीक है, सिंपल, इसी तरह से आपको देखिए ये तो निकल गया, अब इसके बाद में ये हम टू टू निकालिए, टू थ्री निकालेंगे, ये भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, मिटाते हैं, मिटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका मान कितना था, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हमको मिटाना है, तो इसके लिए देखिए वन वन जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना माना है दो, और वन टू का मान कितना है माइनस नौ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में इसको भरना है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये तो लिख चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा मतलब इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, टू टू निकालिए, अब क्या निकालना है, टू थ्री निकालना है, देखिए छोटा छोटा यहाँ पे लिखता हूँ, टू थ्री निकाल रहा हूँ, ठीक है, टू थ्री, तो टू थ्री यानी कि ये वाला अवे लेना है, दूसरी का दूसरी पंक्ति का ये तीसरा अवे, इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा एक माइनस एक तीन माइनस दो, एक माइनस एक तीन माइनस दो, तीन तो पाँच माइनस में होगा ना, विषम हो रहा है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है माइनस दो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन एकम तीन, अब यहाँ पे देखिए सूत्र में माइनस है, यहाँ पे घर के कितना आ रहा है, एक आ रहा है, इसमें से एक आएगा, ये माइनस, तो इसलिए माइनस एक हो गया, इसी तरह से थ्री वन, थ्री वन निकालिए, यानी इसको लेना है आपको, तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये माइनस एक दो दो माइनस तीन, तो लिखिए माइनस एक दो दो माइनस तीन, ठीक है, लिख दिया, अब इसमें देखिए तीन एक चार सम हो रहा है, इसलिए छोड़ दिए, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस होगा, तीन एकम तीन माइनस दो दुना चार घर कितना आ गया माइनस, ठीक है, इसी तरह से निकालिए थ्री 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 टू, तो थ्री टू कितना हो गया फाइव, यानी बीस हमारा, इसलिए माइनस लगाइए, तो यहाँ पे ये वाला अवे लेना है आपको, इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो क्या होगा एक दो जीरो माइनस तीन, तो एक दो जीरो माइनस तीन, ठीक है, अब इसको भी कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो क्या हो गया पहले से माइनस है, तो माइनस तीन में एक से, तो माइनस तीन जीरो में करेंगे दोस्तों, तो जीरो हो गया, अब देखिए माइनस तीन आएगा घट के, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तीन, ठीक है, इसी तरह से थ्री थ्री का निकाल लीजिए, तो थ्री थ्री का कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तीन तीन छः सम रहा है, इसलिए ऐसे ही प्लस में ही होगा, तो ये थ्री थ्री वाला ये हो गया है, इसको लीजिएगा तो रो खत्म कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा एक माइनस एक जीरो दो, एक माइनस एक जीरो दो, इसको करिएगा कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा तीन दो एकम दो माइनस, ये जीरो से होगा तो जीरो, यहाँ पे क्या हो गया दो, ठीक है, तो ये हमारा सब मान आ गया, ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे शाखा लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉइंट को ए बोलते हैं,
एडवांस डी बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, 11 12 ठीक है, 13, यहाँ पे हो जाएगा 21 22 23 ठीक है ना, ये 23 है, यहाँ पे देखिए 31 32 33 ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। अब यहाँ पे इसमें इस सब का मान क्या करना है, पुट कर देना है ठीक है। अब ये सब मिटाता हूँ इसको, ये सब तो आप उतार लिए होंगे, मिटाता हूँ ठीक है, यहाँ पे पुट करना है मुझे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट का पुट कर रहा हूँ मान कितना आएगा, देखिए 11 कितना है, 11 का 2 बढ़िया, फिर 12 12 का कितना आया है जी, -9, फिर कितना 13 कितना है 13 का मान, -6, फिर कितना बना आपको 21 22 23, तो देखिए 21 22 23, 21 का मान 0, 22 का मान -2, 0 -2, 23 का मान -1, फिर देखिए 31 32, 31 का मान -1, 32 का मान -3, 33 का मान 2, भर दिए, ये निकल गया इसका एडजॉइंट ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। अब मिटाते हैं इसको, ये आपका आया किसका मान आया, तो ये आपका आया एडजॉइंट ए का मान आया ठीक है। अतः आपको क्या निकालना था, तो व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स, तो क्या फॉर्मूला है, ए डिटर्मिनेंट 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए ठीक है। अब इसको तो 1 बटा डिटर्मिनेंट का मान कितना है, -16 रख दीजिए, और देखिए इसका मान डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट का मान कितना है ये वाला, तो भर दीजिए। तो यही दोस्तों इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ठीक है, 10 नंबर का यही राइट आंसर ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से बनाना है, इसको भी ए मान लीजिए ठीक है, जो दिया है उसको ए मानिए, 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा ठीक है, यहाँ पे लिखिए 0 sin अल्फा -cos अल्फा ठीक है, लिख दिया। अब इसको भी उसी तरह से क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो मान लेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिएगा, तो ये खत्म ये खत्म, तो ये वाला लिखाएगा यानी cos अल्फा, फिर क्या है sin अल्फा, फिर क्या लिखा है sin अल्फा, फिर क्या है -cos अल्फा ठीक है। तो ये लिए दोस्तों, देखिए तो ये रो खत्म कॉलम खत्म, रो खत्म कॉलम खत्म, तो ये चार मान जो है इसमें मान लीजिए, ये तो जीरो है, तो आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से गुणा करेगा पूरा जीरो हो जाएगा, इसको अगर जीरो कर लेते हैं तो फिर तो टोटल जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको हटा ही लीजिए, इतना ही पर कर लीजिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस में कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, अल्फा है तो अल्फा, माइनस है माइनस प्लस माइनस ठीक है, यहाँ पे सूत्र में होता है माइनस, साइन में साइन से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे माइनस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता होगा दोस्तों 10 क्लास में पढ़े हुए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1, और पहले से क्या था माइनस, तो माइनस 1 इसका मान आ गया डिटरमिनेंट का ठीक है। अब उस तरह से आपको क्या 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 निकालना है, तो 1, अब सौखंड निकालना है इसका, अब लिख दीजिए सौखंड, सौखंड तो 1 1 निकालिए, तो 1 1 कैसे निकलेगा, उसी तरह से ये रो खत्म कलम खत्म, तो ये वाला मान इसका मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 2 सम हो रहा है, इसलिए कहीं कॉस में कॉस से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन में साइन से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर इस सूत्र में माइनस, तो माइनस कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना आएगा माइनस, इसका क्या हो जाएगा 1 ठीक है। इसी तरह से क्या निकलेगा 1 2, तो 1 2 लीजिएगा तो ये वाला 0 0 लीजिएगा ना, तो इसके सामने देखिए ये कॉलम खत्म हो जाएगा, खत्म 0 sin 0 cos 0 sin अल्फा 0 cos अल्फा ठीक है, ये होगा ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 0 sin 0 cos, इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट करिएगा, तो 0 से तो 0 हो गया, 0 से करिएगा तो 0 यानी कितना आएगा 0, इसी तरह से 1 3 निकालिएगा तो 3, यहाँ पर विषम हो रहा है ना, यहाँ पे
माइनस लगता है, तो यहाँ पे भी माइनस जीरो से करिए तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए सम हो रहा है तो छोड़ दीजिए, प्लस में लीजिएगा, इसके सामने ये हो खत्म, कॉस खत्म, तो क्या होगा जीरो कॉस जीरो साइन, जीरो कॉस जीरो साइन अल्फा। करिएगा तो जीरो से तो जीरो हो गया, जीरो से करिएगा तो जीरो हो गया, घट के क्या आ गया जीरो, इतना निकल गया। अब निकालना है टू वन, ठीक है टू वन निकालेगा इसी तरह से, तब कितना हो रहा है तीन, विषम हो रहा है इसलिए माइनस आ गया, तब टू वन लीजिएगा ये वाला जीरो, तो इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो साइन माइनस कॉस, जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जीरो से करिएगा तो जीरो, जीरो से करिएगा तो जीरो, अब पहले से माइनस से करिएगा तो फिर माइनस हो जाएगा यानी जीरो ही रहेगा, फिर उसी तरह से टू टू का निकालिएगा, यानी इसको लीजिएगा तो ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो एक जीरो जीरो माइनस कॉस, एक जीरो इसको लिए हैं, ठीक है ना टू टू का, तो इसका रो खत्म कॉलम खत्म, तो एक जीरो जीरो माइनस कॉस, तो कितना हो जाएगा एक से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, ऐसे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी घर के कितना आ रहा है तो माइनस कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, इस तरह से एक और निकाल सकते हैं, यहाँ पे टू थ्री का मान निकाल लेना, तो टू थ्री का मान कितना हो जाएगा ये वाला ले रहा हूँ, तो इसके सामने देखिए रो खत्म कॉलम खत्म, तो एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो साइन, ठीक है साइन अल्फा, तो इस तरह से करिएगा तो साइन एक से तो साइन हो गया साइन अल्फा, जीरो में जीरो से तो जीरो हो गया, घटेगा तो क्या आएगा साइन अल्फा, यहाँ पर लिखिए साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब देखिए क्या करना है, इसको मिटाते हैं, इसका मान आप लिख लीजिएगा माइनस वन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस वन, तो अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो इसका देखिए डिटरमिनेंट का मान माइनस वन यहाँ पे देखिए लिख लिया हूँ, ताकि मुझे बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टू थ्री तक हो गया है, फिर अब थ्री वन निकालेंगे, यहाँ पे देखिए थ्री वन निकाल लिया, थ्री वन तो कितना हो जाएगा तीन एक चार, यानी बीस सम हो रहा है इसलिए प्लस में, तो थ्री वन यानी कि ये वाला लेंगे, इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो जीरो से तो जीरो हो गया, जीरो से करिएगा तो जीरो हो गया, यानी कि घर के क्या है जीरो। ठीक है, इसी तरह से निकालिएगा थ्री टू, तो तीन टू पाँच हो रहा है विषम, विषम जैसे माइनस लगाइए तो ये वाला लेंगे, इसके सामने कॉलम खत्म रो खत्म, तो क्या हो जाएगा एक जीरो जीरो साइन, ठीक है ये साइन अल्फा है, तब इसको कैलकुलेट करिएगा तो जीरो एक में साइन से तो साइन हो गया, और जीरो से करिएगा तो जीरो घर के क्या आएगा साइन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से कर लीजिए वो थ्री थ्री, थ्री तो सम हो रहा है प्लस ही नहीं होगा, ठीक ठीक लीजिएगा तो इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म रो खत्म, तो क्या हो जाएगा एक जीरो जीरो, एक जीरो जीरो कॉस, एक जीरो जीरो कॉस, ठीक है तो कॉस में एक से तो कॉस हो गया और जीरो में एक से तो जीरो हो गया, घर के क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए तो ये सब टोटल हमारा निकल गया, अब टोटल निकालने के बाद अब क्या लिखना है इसका, तो सखंड लिखना, सखंड मतलब एडजॉइंट लिख लेना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको मिटकाना पड़ेगा, तो देखिए इसका मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहे यहीं पे मिटा दे रहा हूँ और इसका मान यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखिए हम यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इसको मिटाकर इसका मान कितना है, तो माइनस वन आया है किसका, वन वन का माइनस वन, ठीक है इसको मिटा लिया, वन टू का कितना है जीरो, वन थ्री का कितना है जीरो, टू वन का मान कितना है जीरो, ठीक है इतना ही बन जाएगा। अब चलिए बनाते हैं, इसलिए सूत्र क्या होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा ग्यारह बारह तेरह इक्कीस बाईस तेईस इकतीस बत्तीस तैतीस, बस इसको अब क्या करना है मान भर देना है, तो ग्यारह का मान
-1, 12 का मान 0, 13 का मान 0, 21 का मान 0, 22 का मान कितना है, 22 का मान यहाँ से देखिए माइनस कॉस अल्फा, 23 का मान साइन अल्फा, और उसके बाद में 31 का 0, 32 का साइन अल्फा और 33 का कॉस अल्फा, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है सब लिख दिया। अब अतः इसका क्या करना है, तो इसका व्युत्क्रम लिख देना है, वही इसका राइट आंसर। अतः फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, यही सूत्र है ना। मान करिए 1/ डिटरमिनेंट ए का मान -1 था, तो इसका मान जो है वहां से ये वाला भर दीजिए -1 0 0 0 -cos अल्फा, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 -cos अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए -1 में 1 से तो माइनस हो जाएगा, -1 से इस सब में अंदर गुना कर दीजिएगा तो प्लस में उत्तर वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस को गुना करा के माइनस से गुना करा के इसका राइट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका इतना बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे, तो -1 से इस सब में गुना कर दीजिए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जीरो है जीरो है जीरो, यहाँ पर देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे साइन प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, कॉस प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यही दोस्तों इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यही इसका ए इनवर्स का मान आ गया दोस्तों इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, और इस हमको अधिक से अधिक सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह से और आगे वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।